नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जियोग्राफी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आप लोग क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। कोसी नदी ये नेपाल से निकलती है और गंगा नदी मिल जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों भारत में आकर गंगा नदी मिलती है। अब देखिए, अगर हम कोसी नदी की बात करें, इसे दोस्तों सप्तकोसी नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, आप लोग याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, जबलपुर किस राज्य का शहर है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर दो के लिए। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी असम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जबलपुर ये मध्य प्रदेश का शहर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जबलपुर किस नदी किनारे बसा है, तो आप लोग याद रखिएगा ये दोस्तों नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, अमेजन नदी ये किस महाद्वीप में बहती है। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी अमेरिका। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ये कहां पर स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ये हैदराबाद में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है वेरी गुड। इसी प्रकार से सभी लोग आंसर दीजिएगा, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए आपको, ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी स्पेन, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अमेरिका में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये दोस्तों अमेरिका की न्यूयॉर्क में, आप लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स आपकी स्क्रीन पर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन है, मैटूर बांध ये किस नदी पर स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मैटूर बांध ये दोस्तों कावेरी नदी पर है, किस राज्य में है तो आप लोग याद रखिएगा ये तमिलनाडु में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सात आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील ये कहाँ पर स्थित है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर सात का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आठ आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, अलमाट्टी बांध ये किस नदी पर बना है। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर एट के लिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है अलमाट्टी डैम ये दोस्तों किस नदी पर बना है। ऑप्शन दिए गए आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी पर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य में है तो आप लोग याद रखिएगा ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मिजोरम राज्य की सीमा आप लोग याद रखिएगा समुद्र से नहीं मिलती, जबकि ओडिशा, गुजरात, केरल इन तीनों राज्य की सीमा समुद्र से मिलती है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग क्या है। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1300 किलोमीटर। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। कहीं 1312 किलोमीटर भी लिखा आता है, तो आप लोग दोनों के बारे में याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है चचाई जलप्रपात ये किस नदी पर बना है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीड़ नदी पर। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चचाई वाटरफॉल ये दोस्तों बीड़ नदी पर बना, आप लोग याद रखिएगा किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आगे भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिम्नोलॉजी। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है नंदा देवी चोटी ये किस राज्य में स्थित है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नंदा देवी चोटी ये उत्तराखंड में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है गंगा नदी कहाँ से निकलती है। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री ग्लेशियर। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है मेघ दूध बगीचा ये कहाँ पर स्थित है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंदौर। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मेघ दूध बगीचा ये इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है वेरी गुड। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है नासिक ये किस नदी किनारे स्थित है। दोस्तों नासिक महाराष्ट्र का शहर है, अब आपको बताना है किस नदी किनारे बसा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नासिक ये गोदावरी नदी किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर है। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी पर। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे पूछ सकते हैं कि किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा ये दोस्तों कर्नाटक में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है रॉकी पर्वत श्रृंखला ये कहाँ पर है। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी एशिया, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। रॉकी पर्वत श्रृंखला ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 को ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोर्नियो। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ग्रीनलैंड, ये दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है पिछोला झील ये भारत के किस शहर में है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पिछोला झील ये दोस्तों उदयपुर राजस्थान में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है मरुस्थल में कैसी मिट्टी पाई जाती है। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालू रेत। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आपको बताना है अफगानिस्तान ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा अफगानिस्तान ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है, और भारत भी दोस्तों अपना एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान ये मुंबई महाराष्ट्र में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है सियोल कहाँ की राजधानी है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सियोल ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम ऑप्शन के बारे में बात करें, प्योंगयांग ये दोस्तों उत्तर कोरिया की राजधानी है, टोक्यो ये जापान की राजधानी है, बीजिंग ये चाइना की राजधानी है। तो आप लोग चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, चारों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है धनबाद ये किस राज्य का शहर है। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। धन्यवाद, ये झारखंड का शहर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन है सात टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सात टापुओं के शहर के नाम से मुंबई को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, दोस्तों आपको बताना है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। यस, त्रिपुरा करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है क्रेमलिन ये किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। दोस्तों रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप लोग याद रखिएगा। रूस राजधानी मॉस्को है, और दोस्तों रूस वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोमती। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने भूगोल के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।